बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इसराहत मकसूद। आई विल टीच यू उर्दू सब्जेक्ट। हाउ आर यू? होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी एट योर होम्स। मे अल्लाह कीप यू सेफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कैलेमिटीज एंड डिस्ट्रेसेस, आमीन। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी उर्दू, सो गेट रेडी स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में ग्रामर का इब्तदाई हिस्सा जो है उसको डिस्कस करेंगे, और यकीनन ग्रामर का ये जो हिस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, आपको ये पहले से अच्छे से अंदाज़ में इसलिए आता होगा क्योंकि आपने ये 4 to 7th क्लास तक इसको अच्छे अंदाज़ में यकीनन पढ़ा होगा और आपको अच्छे तरह जहन नशीन भी होगा। यहाँ इस ग्रामर के इब्तदाई हिस्से को रिवाइज़ करने का सिर्फ ये मकसद है कि आप जब वर्कबुक पेज नंबर 10 और 11 हल करें तो आपके जहनों में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन या इबहाम जो है वो बाकी ना रहे। तो सबसे पहले हम हरूफ ग्रामर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हरूफ मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को लिखकर जाहिर करने को हरूफ कहते हैं। मसलन हमारे मुंह से कोई भी कोई हरफ निकलता है, अलफ, दाल, जीम, काफ वगैरह। लफज हरफों के मजमूमे को लफज कहते हैं, मसलन शाम, दिन, रात वगैरह। जैसे देखें कि दाल और नून से दिन बनता है, शीन, अलफ, शाह और मीम, इसको अगर हम मिलाएं तो ये शाम बनता है। इस तरह ये जो हरफ जब आपस में इकट्ठे होते हैं, ये मजमूए की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो हरफों के इस मजमूए को हम लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज की दो किस्में हैं, कलमा और मुहमल। कलमा ऐसे अल्फाज हैं जब हम उनको अपनी ज़बान से अदा करते हैं तो उसके को मानी होते हैं। मसलन कुर्सी, मेज़, किताब, रोटी, चाय वगैरह। जबकि मुहमल ऐसे अल्फाज जिससे कोई भी मानी नहीं होते। मेज़ वेज़, रोटी वोटी। मेज़ हमारी समझ में आता है कि ये एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, रोटी खाने वाली जो है एक चीज़ है, लेकिन मेज़ के साथ वेस और रोटी के साथ वोटी, इनका कोई भी मानी नहीं है, तो ये मुहमल होंगे। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमुआ जिसका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन अल्लाह ताला एक है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। मैं आज स्कूल गई थी, मैं खाना खा रही हूँ। तो ये है जुमला, और जिसका जब मैं अपनी ज़बान से इसको अदा कर रही हूँ तो यकीनन आपको भी मेरी अच्छी सी मेरी बात जो है, जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो आपकी समझ में आ रही है। जुमले के हिस्से, जुमले के दो हिस्से होते हैं, मसनद और मसनद अलैह। मुसनद और मुसनद अलैह। मुसनद वो जो काम कर रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और मुसनद अलैह जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, तो आपकी तरफ इशारा है। तो मैं हूँ मुसनद और आप हैं मुसनद अलैह। कलमा की अकसाम। कलमा की तीन अकसाम हैं, इसम, फेर, हरफ। इसम जैसा कि आप जानते हैं कि वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ को के नाम को जाहिर करे, मसलन अहमद, किताब, कराची वगैरह। फेल वो कलमा है जिसमें हम किसी काम का करना, होना या फिर सहना पाया जाए या इसी चीज़, इन तमाम बातों को जाहिर करें, मसलन रोना, धोना, चलना, खाना, पढ़ना वगैरह। हरफ वो अल्फाज ना जो ना इसम हो और ना फेल, बल्कि जो इसमों और फेलों को मिलाएं, हरूफ कहलाते हैं। मसलन का, के, की, में, हैं, पर, तक वगैरह हरफ हैं। इसम की इकसाम बालहाज जिन्स। जिन्स के लिहाज से इसम की दो अकसाम हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर ऐसा इसम है जो नर के लिए बोला जाए, मसलन मर्द, उस्ताद, घोड़ा वगैरह। और मुअन्नस ऐसा इसम है जो मादे के लिए बोला जाए, मसलन औरत, उस्तानी, घोड़ी वगैरह। इसम की अकसाम बालहाज तादाद। तादाद के लिहाज से इसम की दो अकसाम हैं, वाहद और जमा।
वाहद ऐसा इसम है जो एक चीज़ को जाहिर करे, मसलन लड़की, कलम, किताब वगैरह। जबकि जमा ऐसा इसम है जो एक से ज़्यादा चीज़ों को जाहिर करे, मसलन लड़कियां, किताबें, कुर्सियां वगैरह। अब तक आपने पढ़ा, इसे एक चार्ट की शक्ल में यूँ समझ सकते हैं। इसम ज़मीर ऐसे कलमात जो इसमों को बार बार इसम ज़मीर ऐसे कलमात जो इसमों को बार बार इस्तेमाल में लाने की बजाय इस्तेमाल किए जाएं, वो इसम ज़मीर कहलाते हैं। मसलन वो, मैं, से, तुम, हम, इन, इन्हें वगैरह इसम ज़मीर हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मसलन वो, मैं, से, तुम, हम, हमें वगैरह। इसम की अकसाम बालहाज, बनावट, और बनावट के लिहाज से इसम की तीन अकसाम हैं, इसम जामद, इसम मस्दर और इसम मश्तक। इसम मस्दर, मस्दर निकलने की जगह को कहते हैं, और इसम मस्दर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी कलमा या लफ्ज़ से ना बने मगर इससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हों। मस्दर किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है, मगर इसकी खास पहचान ये है कि इसमें वक़्त की कैद नहीं होती। मसलन कि आपने कब खाना खाना है, कब आपने पढ़ना है, कब आपने लिखना है, या कब आपने हंसना या खेलना वगैरह है। इसम जामद ऐसा इसम जो ना किसी कलमे से बने और ना इससे कोई और कलमा बन सके, इसम जामद कहलाता है। मसलन मेज़, कुर्सी, कलम, दीवार वगैरह। इसम मश्तक ऐसा इसम है जो खुद मस्दर से बने मगर इससे कोई कलमा ना बन सके, मसलन खाने वाला, आने वाला, जाने वाला, पीने वाला वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये थी ग्रामर का वो इब्तदाई हिस्सा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आपकी समझ में ये ग्रामर आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आज आपका होमवर्क ये, क्लास वर्क ये है कि आप पेज नंबर 10 और 11 जो है उसको हल करेंगे।